नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिफेंस यात्रा चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में जो आने वाले वर्षों में हमारी वायु रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह है प्रोजेक्ट उषा, जिसे DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सहित कई स्वदेशी रक्षा संगठनों की मदद से तैयार किया जा रहा है। प्रोजेक्ट उषा क्या है? प्रोजेक्ट कुसा एक बहुस्तरीय लंबी दूरी का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो रूस के S-400 और S-500 जैसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम की बराबरी करेगा, उनसे आगे भी निकल सकता है। इसका लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना और विदेशी रक्षा प्रणालियों पर निर्भरता को कम करना, खासकर रूस जैसे देशों से होने वाले आयात। किन खतरों से करेगा रक्षा? यह प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइलें, स्टेल्थ फाइटर, ड्रोन, एंटी सिक बैलिस्टिक मिसाइलें, अवैक्स प्लेटफॉर्म और हाइपरसोनिक हथियारों तक को निशाना बना सकेगी। इसकी क्षमता इसे भविष्य के किसी भी हवाई खतरे से निपटने के लिए आदर्श बनाती है। इसमें होंगी तीन प्रकार की इंटरसेप्ट मिसाइलें। प्रोजेक्ट कुसा को तीन मुख्य इंटरसेप्ट वेरियंट्स के साथ डिजाइन किया जा रहा है। M1 इंटरसेप्टर, रेंज 150 किलोमीटर, कॉम्पैक्ट और तेज या छोटे रेंज पर लड़ाकू विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए उपयुक्त होगा। M2 इंटरसेप्टर, रेंज 250 किलोमीटर, या मिड रेंज खतरों जैसे अवैक्स प्लेटफॉर्म और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए तैयार किया गया है। M3 इंटरसेप्टर, रेंज 350 से 400 किलोमीटर, या सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल होगी, जो दुश्मन के अवैक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर प्लेटफॉर्म और बैलिस्टिक मिसाइलों को 85 से 98% तक की सफलता दर से नष्ट कर सकेगी। अत्याधुनिक रडार और सेंसर तकनीक, इस सिस्टम में रडार, लंबी दूरी की निगरानी और फायर कंट्रोल रडार शामिल होंगे। यह रडार 500 से 600 किलोमीटर तक की दूरी तक स्कैन कर सकेंगे और भविष्य में इन्हें 1500 किलोमीटर तक की रेंज तक अपग्रेड करने की योजना है। AI सक्षम निर्णय प्रणाली इसे और भी स्मार्ट बनाएगी, जिससे यह स्टेल्थ और हाइपरसोनिक टारगेट्स को भी तेजी से पहचान कर निशाना बना सकेगा। भारतीय वायुसेना के साथ इंटीग्रेशन, प्रोजेक्ट कुसा को इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह प्रणाली आकाश, BRAC-8 और पहले से मौजूद S-400 सिस्टम के साथ मिलकर एक मजबूत नेटवर्क आधारित एयर डिफेंस शील्ड बनाएगी। रणनीतिक महत्व, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत को उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए विदेशी सप्लायरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह हमें रणनीतिक रूप से मजबूत बनाएगा और हमारी रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। कब होगा तैयार? अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 2028 से 2030 के बीच यह सिस्टम भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। प्रोजेक्ट को कई चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसमें भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस को और भी उन्नत बनाने की योजना है। भारत के लिए क्या मायने रखता है? सफल होने पर प्रोजेक्ट कुसा भारत को उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल कर देगा जिनके पास स्वदेशी हाइपरसोनिक सक्षम लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। यह हमारी सैन्य शक्ति को एक नई रणनीतिक गहराई देगा और दक्षिण एशिया सहित पूरे क्षेत्र में हमारी स्थिति को और मजबूत बनाएगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुसा सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की भविष्य की रक्षा रणनीति का एक अहम हिस्सा है। यह दिखाता है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि उन्नत हथियार बनाने वाली शक्ति के रूप में उभर रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रक्षा विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।